अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू छोटी मार्केट। तो भाई आज हम W26 स्मार्ट वॉच का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये वॉच काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है सीरीज 6 से, तो आज हम चेक करेंगे क्या ये वाकई में वॉच सीरीज 6 से बहुत मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये W26 वॉच है, इसका ये बॉक्स है। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि स्पोर्ट हार्ट रेट, और हार्ट रेट ये सब फेक होता है, आप इस पर कभी मत जाइएगा। और इसके अंदर एक चार्जर दिया गया है, बताया गया, और एक 44 mm की ये वॉच साइज़ है। तो चले इसको खोल लेते हैं बॉक्स को। ये वॉच है, इसके अंदर चेक कर लेते हैं, एक चार्जर और एक बुक दी गई है ये। तो इसे अभी हम साइड पे कर लेते हैं बॉक्स को। सबसे पहले हम बुक चेक कर लेते हैं। बुक के अंदर चाइनीज़ के अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर ही करें, क्योंकि मेन चीज़ इसके अंदर एक दीवी होती है और वो ये स्कैन किए दिया हुआ है QR कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके अंदर बताया भी गया है कि WWFit के नाम से आप ईज़िली इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक का काम सिर्फ यहीं तक होता है। वॉच चेक कर लेते हैं। वॉच का सबसे पहले हम स्ट्रैप चेक करेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसका स्ट्रैप है, सिलिकॉन का, और सॉफ्ट सा इसका स्ट्रैप दिया गया है। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टर चढ़ा हुआ है, वो हम निकाल लेते हैं इसका प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर हटा के देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका ग्लास दिया गया है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक बटन दिया गया है, और एक छोटा सा माइक दिया गया है, और इसके राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा स्पीकर दिया गया है जिसके ज़रिए आप कॉल पे बात कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बैक हैंड साइड पे जहाँ तक बात की जाए, तो यहाँ पे इसका चार्जर के ये दो मैग्नेट कीज़ दिए गए हैं जहाँ पे आप अपना चार्ज कर सकते हैं इसको। और इसके पीछे ये हार्ट रेट का दिया गया है, जो कि बिल्कुल फेक होता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसके हार्ट रेट और इसके जितनी भी चीज़ें होती हैं रिगार्डिंग हेल्थ, आप कभी भी आप इस पर ना जाएँ। वॉच को ऑन कर लेते हैं। नीचे वाले बटन को होल्ड करके रखेंगे तो ये वॉच ऑन हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्मार्ट वॉच। और काफ़ी ज़्यादा इसका ब्राइट डिस्प्ले है, और सीरीज 6 से काफ़ी ज़्यादा ये वॉच मिलती है। तो देख लेते हैं इसके वॉलपेपर सबसे पहले। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इसका स्मूथ टच है। अच्छा, इसके राउंड वाले बटन को आप दबाएंगे तो इसका मेन्यू बार कुछ इस तरीके से आएगा, ये आप देख सकते हैं। स्लाइड डाउन अगर आप करेंगे तो इसके अंदर ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ये आपकी चार्जिंग है, ये QR कोड दिया गया जिससे आप अपनी वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका मेन्यू बार दिया गया जिसके अंदर दो स्टाइल दिए गए हैं इस वॉच के अंदर। तो हम दूसरा स्टाइल भी सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, दूसरा इसका स्टाइल इस तरीके से दिया गया है इस वॉच का। दो तरीके के स्टाइल दिए गए हैं दोस्तों इसके अंदर, इस वॉच के अंदर। अच्छा, ये अलार्म दिया गया है, अगर आप आई पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अबाउट बता देगा W26 के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इसके फीचर हम चेक कर लेते हैं क्या क्या इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं। आपको कैलेंडर दिया गया है सबसे पहले, अंदर आज की डेट शो हो जाएगी। और इसके अलावा इसके अंदर म्यूज़िक दिया गया है जो आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अलार्म दिया गया है इसके अंदर, और कैलकुलेटर भी दिया गया है इसके अंदर, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी दिया गया है इसके अंदर। कैमरा दिया गया है दोस्तों, जब आप मोबाइल से ये वॉच कनेक्ट करेंगे तो कैमरे पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप पिक्चर भी कैप्चर कर सकते हैं। इसकी सेटिंग में जाके और चीज़ें भी देख लेते हैं। डिस्प्ले की जहाँ तक बात करें तो इसके अंदर आप अपनी स्क्रीन ब्राइट भी कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बोलूँगा कि इसकी ब्राइटनेस आप नॉर्मल रखें ताकि इसकी बैटरी जो है वो देर तक चल सके। इसके अलावा इसके अंदर स्टेप्स दिया गया है, अबाउट दिया गया है, ये आप इग्नोर कर दें क्योंकि ये मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ये जो चीज़ें प्रोवाइड करी हैं इसके अंदर, टेम्परेचर और हार्ट रेट, क्योंकि ये सब फेक होता है इसके अंदर। बाकी दोस्तों, इसके अंदर व्हाट्सएप और फेसबुक भी दिया गया है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलें इस वॉच को हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल के साथ। चले दोस्तों, इस वॉच को हम अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन खोलने के बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन
आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अलार्म दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे फाइंड माय ब्रेसलेट दिया गया है जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं कि आपकी वॉच कहाँ पड़ी हुई है। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वॉच इस तरीके से साउंड आएगा और ये वाइब्रेट करेगी, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी वॉच किधर है अगर आपकी वॉच मोबाइल से कनेक्ट हुई हुई होगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये वॉच आपकी मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी, और कनेक्ट होने के बाद आपके मोबाइल में जो भी नोटिफिकेशन है अंदर भी शो होगी। तो हम एक कॉल करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चलें हम इस मोबाइल पे कॉल कर लेते हैं। ये देखें आप, कॉल आ गई हमारे पास। यहाँ से हम पिक भी कर सकते हैं और कॉल काट भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वॉच के अंदर जो लोगों को ज़्यादातर आती है कि हम अपने इसका डिस्प्ले नहीं लगा सक रहे हैं अपना कस्टम। आप डायल पुश के अंदर जाएं, यहाँ पे जाने के बाद आप कस्टम पे क्लिक करें, इसके बाद आप सेलेक्ट द डायल बैकग्राउंड करें। यहाँ पे आप पिक्चर लेके भी लगा सकते हैं जो चाहें, और आप एल्बम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसके। इस तरीके से आप इसके कस्टम वॉलपेपर भी इस वॉच को लगा सकते हैं। तो चलें दोस्तों इस वॉच को चार्ज करके देख लेते हैं कि ये वॉच किस तरीके से चार्ज होती है। ये इसका चार्जर दिया गया है, इसको मैंने एडाप्टर से कनेक्ट कर दिया है। तो इसकी बैक साइड पे जो आपको ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ आप इसको टच करेंगे तो ये फ़ौरन कनेक्ट हो जाएगी वॉच। ये आप देख सकते हैं कि इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है वॉच की। यहाँ पे ये आपको चार्जिंग का ऑप्शन बता रहा है, और ये वॉच का ऑप्शन आपको बता रहा है कि आपकी वॉच कनेक्टेड है। इस वॉच की बैटरी टाइमिंग जो है, अगर आप सारी नोटिफिकेशन ऑन करेंगे और मोबाइल से कनेक्ट रखेंगे तो ये आपको 7 से 8 घंटे ये वॉच इजीली आपको दे देगी। और अगर आप अपनी नोटिफिकेशन बंद रखते हैं और ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं करते हैं तो ये वॉच आपको पूरा दिन भी दे देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल छोटी मार्केट को सब्सक्राइब करें ताकि भाई आपका भाई डेली ऐसी वीडियोस लेके आते रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।